हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। तो फर्स्ट अपडेट है, हिमाचल में लॉकडाउन जैसी सख्ती पर आज फैसला करेगी कैबिनेट। तो कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते संकट के बीच प्रदेश में लॉकडाउन जैसी सख्ती या सप्ताह के आखिरी दिन 3 दिन बाजार बंद रखने पर बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन पर फैसला लेने से पहले सरकार बुधवार को पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर राय लेगी। सर्वदलीय बैठक पहले मंगलवार को होनी थी लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा से खराब मौसम के चलते शिमला नहीं पहुंच पाए, इसलिए मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में सर्वदलीय बैठक हुई। अब बुधवार सुबह 9:30 बजे पीटरहाफ में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पहले सर्वदलीय बैठक होगी और उसके बाद सुबह 10:30 बजे से कैबिनेट बैठक चलेगी। तो मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहाफ शिमला में सर्वदलीय बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, माकपा विधायक और अन्य विधायक शामिल हुए। शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश भर में कोरोना से हो रही मौतों, उपचार की व्यवस्था, टीकाकरण आदि के आंकड़े बैठक में रखे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी कहा कि इस संकट के समय में विपक्ष सरकार का साथ देगा, सीएम बैठक में क्या बातें रखते हैं उसके बाद ही विपक्ष अपना पक्ष स्पष्ट करेगा। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देना भूला स्वास्थ्य विभाग, हफ्ते से घर में बंद है पूरा परिवार। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घेड़बी में एक परिवार एक हफ्ते से घर में कैद है। दरअसल 27 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग ने करीब 100 लोगों के सैंपल लिए थे, इनमें 18 लोगों के कोरोना सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। विभागीय कर्मचारियों ने नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों को इसकी जानकारी दी लेकिन कुछ लोगों को सैंपल रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी है, इसकी वजह से लोग एक सप्ताह से घर में ही बंद है। बता दें कि उक्त सैंपलों में एक ही परिवार के 5 लोगों के सैंपल लिए गए जिन्हें अभी तक सैंपल रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई है। तो परिवार के लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट की जानकारी न देने से राशन संबंधित समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस गांव में कोविड पॉजिटिव आने के 2 दिन बाद सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। तो खंड चिकित्सा अधिकारी झुंडता डॉक्टर अरविंद टंडन का कहना है कि जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई उन्हें 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया है, जिन लोगों की रिपोर्ट नहीं मिली है उन्हें तुरंत रिपोर्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में वन्य जीव विंग के सभी पार्क और अभयारण्य क्षेत्र बंद। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश भर में हिमाचल वन विभाग में वन्य जीव विंग के तहत आने वाले सभी पार्क और वन्य जीव अभयारण्य अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए हैं। केंद्र सरकार से जारी आदेशों के अनुसार पर्यटकों के लिए सभी उद्यान एवं अन्य संरक्षित क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, सिलाई अध्यापकों और पंचायत चौकीदारों का प्रति माह 300 रुपये बढ़ाया मानदेय। तो हिमाचल प्रदेश के 3226 पंचायत चौकीदारों को अब 5300 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। वहीं पंचायतों की 1800 सिलाई अध्यापकों को राज्य सरकार 7100 रुपये प्रति माह मानदेय देगी। चौकीदारों और सिलाई अध्यापकों को 300-300 रुपये प्रति माह मानदेय बढ़ाया है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू होगा। राज्य ग्रामीण विकास विभाग के सचिव संदीप भटनागर ने इस संबंध में 2 अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास, हिमाचल में रिकॉर्ड 3356 नए कोरोना मामले, 48 संक्रमितों की मौत। IGMC के इमरजेंसी वार्ड में 11 मरीज पॉजिटिव। तो प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,945 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 85,671 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 23,572 हो गए हैं और 1,647 संक्रमितों की हो चुकी है मौत। तो हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 48 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 15, सोलन 8, शिमला 7, सिरमौर 3, हमीरपुर 3, चंबा 3, मंडी 5, कुल्लू 2, ऊना और बिलासपुर में 1-1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। इससे पहले बीते कल प्रदेश में 55 संक्रमितों की मौत हो गई थी। उधर प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 3356 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से कांगड़ा जिले में रिकॉर्ड 877, सोलन में 669, मंडी में 413, सिरमौर में 371, ऊना में 233, बिलासपुर में 227, हमीरपुर में 147, शिमला में 161, चंबा में 120, कुल्लू में 79, किन्नौर में 33 और लाहौल स्पीति में 26 नए मामले आए हैं। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज का चिकित्सक, डाक और पुलिस विभाग के कर्मचारी भी पॉजिटिव आए हैं। सोलन जिले में कोरोना मामले और मौतों का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं नालागढ़ उपमंडल में कोरोना पॉजिटिव एक कांग्रेस नेता की कोविड से मौत हो गई है। उनकी माता का भी 10 दिन पहले कोरोना से देहांत हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्होंने डॉक्टरों की निगरानी में खुद को आइसोलेट कर दिया है। इसकी जानकारी सुरेश कश्यप ने मंगलवार देर शाम को ट्वीट कर दी है। तो नेक्स्ट अपडेट है, शिमला शहर में हरे पेड़ों को काटने के लिए दी मंजूरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।
तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नगर निगम शिमला के भीतर हरे पेड़ों को काटने के लिए दी गई अनुमतियों पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने बिजली बोर्ड को दी गई अनुमतियों पर यह रोक नहीं लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता ने नगर निगम शिमला वन संरक्षण अधिनियम और अन्य वैधानिक प्रावधानों का लेकर करते हुए शिमला शहर में सड़कों के विस्तारीकरण के नाम पर हरे भरे स्वस्थ पेड़ों को काटे जाने का मुद्दा उठाया है। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास, कोटखाई से चली बस के परिचालक को ठियोग में आया फोन पॉजिटिव हो तुम। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस मंगलवार को कोटखाई से शिमला के लिए रवाना हुई। जैसे ही ठियोग पहुंचे बस के परिचालक को फोन आया कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। परिचालक को बस से उतरना पड़ गया। पास बैठे और आसपास के लोग उससे दूरी बनाने लगे। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर वीडियो वायरल होने लगी। तो कोरोना पॉजिटिव परिचालक बस स्टैंड में बैठा रहा और कोई उसके पास आने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद रही घाट में रहने वाले दीपिका ने SDM को फोन करके उनके ध्यान में ये मामला लाया। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि जब परिचालक ने कोरोना का सैंपल दिया था उसके बाद परिवहन निगम ने चालक की कैसी ड्यूटी लगा दी। तो नेक्स्ट अपडेट है, बैंड बाजा ना बरात, दूल्हा दुल्हन और परिवार के 6 सदस्य ने निभाई शादी की रस्में। तो कोविड के चलते शादी समारोह के लिए 20 लोगों की अनुमति है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के 2 परिवारों ने दूल्हा दुल्हन और परिवार के 6 सदस्यों के साथ ही शादी की रस्में निभाकर अन्य लोगों को एक संदेश दिया है। होशियारपुर में मंगलवार को संपन्न हुई शादी समारोह में न तो बैंड बजा न ही बारात, दूल्हे और दुल्हन पक्ष के 3-3 सदस्यों ने कुछ ही घंटों में शादी की रस्में निभाकर सरकार की बंदिशों को दरकिनार करने वाले उन लापरवाह आयोजकों को संदेश दिया है जो अनावश्यक भीड़ एकत्रित कर कोरोना संक्रमण के फैलाव को बढ़ावा दे रहे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, CM जयराम ने चंबा में किया प्रोत्साहन राशि का ऐलान, शिमला में सरकार ने वापस लिया आदेश। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा में मंगलवार को ही डॉक्टरों, छात्रों और स्टाफ की कोविड ड्यूटी करने पर इंसेंटिव देने का ऐलान किया, लेकिन मंगलवार को ही उन्हीं की सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने शिमला में ये आदेश वापस ले लिए। सूत्रों के अनुसार आदेश वापस लेने के पीछे इंसेंटिव कम होना कारण बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि विभाग बुधवार को दोबारा नए इंसेंटिव दरों के साथ अधिसूचना जारी कर सकता है। तो नेक्स्ट अपडेट है, जून से सितंबर तक 553 मिलियन यूनिट बिजली बेचेगा हिमाचल। तो जून में 24 घंटे के लिए 72 मिलियन यूनिट और 19 घंटे के लिए 51.30 मिलियन यूनिट बिजली बेची जाएगी। जुलाई में 24 घंटे के लिए 96.72 मिलियन यूनिट और 19 घंटे के लिए 82.46 मिलियन यूनिट। अगस्त में 24 घंटे के लिए 81.84 और 19 घंटे के लिए 82.46 मिलियन यूनिट तथा सितंबर में 24 घंटे के लिए 86.40 मिलियन यूनिट बिजली बेची जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, जयपुर धौलपुर ट्रेन अब सप्ताह में 3 दिन दौड़ेगी। तो धौलपुर चौक उन्ना हर रोज जयपुर से धौलपुर चौक दौड़ने वाली ट्रेन अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी। इसको लेकर उत्तर रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा धौलपुर चौक से अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन तक के ट्रेन मार्ग पर इलेक्ट्रिकल इंजन से ट्रेनें दौड़ने की भी अधिसूचना जारी कर दी है। तो नेक्स्ट अपडेट है, 5 दिन बाद मिली रिपोर्ट, तब तक सामान बेचते रहे कारोबारी। तो राजधानी के बाजारों में कई कारोबारी और तह बाजारी कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद जाने अनजाने दुकानें सजा रहे हैं। इससे शहर में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। कई कारोबारी पॉजिटिव होने के बावजूद लोगों को सामान बेच रहे हैं, लेकिन इसमें इनका कोई भी कसूर नहीं है। दरअसल इनके टेस्ट की रिपोर्ट 5 दिन बाद आ रही है, तब तक ज्यादातर कारोबारी दुकान खोल रहे हैं। 5 दिन बाद जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो कारोबारी दुकान बंद कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, सैकड़ों शहर कर्मचारियों को मिलेगी अब स्पेशल इंक्रीज। तो शहर में सफाई का जिम्मा संभाल रहे साहब सोसाइटी के सैकड़ों कर्मचारियों को 4/9/14 के तहत स्पेशल इंक्रीमेंट दी जाएगी। बुधवार से ही कर्मचारियों को इसका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, शराब तस्करी के आरोपी को न्यायिक हिरासत। तो आबकारी और कराधान अधिनियम के तहत गिरफ्तारी सलेवाल निवासी प्यारा सिंह को पुलिस ने ACJM की अदालत में पेश किया, जहां से उसे अदालत ने 13 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने 8 दिसंबर 2016 को भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस पर उसने ₹10,000 का जुर्माना भरा। 26 जून 2017 को भी प्यारा सिंह को अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा गया। इस दौरान भी इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 13 फरवरी 2018 को भी इसके खिलाफ आबकारी और कराधान अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और इस पर ₹10,000 जुर्माना लगाया गया। तो नेक्स्ट अपडेट है,
हैप्पी क्लब धमरोल के सदस्य कर रहे कोरोना मृतकों का दाह संस्कार। तो उपमंडल भोरंज की 39 पंचायतों में कोरोना महामारी के दौरान हैप्पी क्लब धमरोल कोरोना से मृत परिवार के सदस्यों के लिए मददगार साबित हो रही है। महामारी से 20 से अधिक लोगों का दाह संस्कार हैप्पी क्लब धमरोल के सदस्य कर चुके हैं, जिसकी कोरोना से मृत्यु होती है। अगर उस परिवार से कोई दाह संस्कार में शामिल नहीं होता है तो कपाल मोचन भी हैप्पी क्लब के सदस्य अपने आप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ सुबह की खबरें। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कमेंट और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।